कूड़े की पन्नी लटकाती है। सो गाइस मैं अपने ना फेवरेट पेपर ये पेपर। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ना एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही बढ़िया डिश बनाने वाले हैं। अम्मी क्या बनाएंगे आज? मेरा पैक खो गया है गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ कूड़े की पन्नी लटकाती है। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, ये जा रही है कोचिंग 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 जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, पढ़ाने वाली उम्र में पढ़ने जा रही हूँ। गाइस आज बहुत लेट हो गया है ना, तो अब तारीफ बहुत जल्दी जल्दी बनानी होगी। और आज स्कूल से भी थोड़ा सा लेट हम आए थे क्योंकि स्कूल में काम बहुत ज़्यादा था, उस वजह से फटाफट से पहले किचन का थोड़ा जल्दी जल्दी साफ़ करते हैं, उसके बाद अफ्तारी बनाने स्टार्ट करते हैं। तो बिना आलू के ना अफ्तारी मेरी ना इनकम्प्लीट रहती है। और आलू के चिप्स ना मुझे बहुत ज़्यादा, आलू के पकौड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और आलू के ना जो चिप्स होते हैं ड्राई करके बनाए जाते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छे लगते होंगे, तो आप लोगों की भी अफ्तारी ना इनकम्प्लीट रहती होगी इन सब चीज़ों। और ज़्यादातर लोग ना बिरयानी ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे पहले वाला जो व्लॉग हुआ है ना तो वो बिरयानी से रिलेटेड था, तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। तो बहुत अच्छी बहुत ईजी वे में बिरयानी बनाई थी। तो सबसे पहले ही आलू को ना ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटे ना बहुत ज़्यादा पतले, मीडियम स्लाइसेस कट करेंगे। क्या एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी कि मैंने आलू को छीला नहीं है, तो उसको छिलके के साथ इसको स्लाइसेस कट करने हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाला है क्योंकि छिलके के साथ कट करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और ये उड़द की दाल है, इसको पहले ही पीस लिया गया है, जो बिल्कुल साफ़ वाली होती है ना बिना छिलके वाली उड़द की दाल। उसके बाद दही लेते हैं और दही में ना 2 चम्मच शुगर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, कम से 2 से 3 मिनट तक तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही को अच्छे से फेंटने के बाद इसको ना फ्रिज में रखेंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट तक ही रख देंगे जिससे वो अच्छा सा ठंडा हो जाए। दाल का जो पेस्ट है ना इसको एक बोल में निकालेंगे, और इसके बाद उसमें ज़ीरा और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो इसको पकौड़ियों की तरह अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई को चाहे जितना धोना, तो ये ऐसे सन में टैनिंग हो जाती है ना इंसानों को, वैसे ही ये हो रहा है। तो इसको ना मैं एक न्यू कढ़ाई परचेज़ करने की कोशिश करूँगी, और इस टाइप से ये फ्राई हो जाएंगे। आलू के पकौड़े बनाने के लिए ना इसमें नमक, मिर्च, बेसन, खटाई और इसमें अरारोट भी ऐड किया हुआ है, और ये लोहे वाली कढ़ाई है तो इसमें ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें ना एक एक करके इसमें स्लाइस डालते रहेंगे, और इसमें ना देखेंगे कि वन साइड पे यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं और वन साइड पे यहाँ पे आलू वाले चिप्स बन रहे हैं। तो इसको ना इजी प्रोसेस है, तो एक साइड पे ये हो रहा है, एक साइड पे मम्मी हेल्प कर रही है, तो ये जल्दी ही कम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है। के बाद ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और इसमें ना जब आप चाट मसाला ऐड करोगे ना तो और भी ज़्यादा खाने में ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज तो। और चिप्स पापड़ के बगैर तो ना अफ्तारी बिल्कुल अधूरी है, तो यहाँ पे चिप्स पापड़ किसको किसको बहुत ज़्यादा पसंद है और खाने में किसको क्या पसंद है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, हैंडमेड चिप्स हैं, कुछ हैंडमेड हैं, कुछ आप मार्केट से लिए गए हैं। तो ये वाले जो ना वो हैंडमेड चिप्स हैं, जो आलू वाले चिप्स हैं जो नहीं बॉयल करके बनाए जाते हैं। इसके बाद मैंने चने भी बनाए थे जो कि गेस्ट आए हुए थे ना, तो थोड़े से चने बच गए थे, तो आज मैंने इसको कंप्लीट करा है। और मेरे पहला वाला जो बिरयानी वाला ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा आप लोग।
वाला जो चिप्स है ना वो होली में बनता है, तो ये मेरा फेवरेट वाला चिप्स है। और जो आलू से बनता है, आलू को पीस कर बनता है, आलू को बॉईल करके पीस के उसमें ज़ीरा और मिर्च नमक ऐड करके बनता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है, तो उसको मैंने छुपा के रख दिया था। ये बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो रेडी हो चुकी हैं। वाली चटनी ना मम्मी ने स्टोर करके रखी थी, काफ़ी टाइम पहले की है ये, और ये स्टोर थी ना तो इस वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। तो इसका ब्लॉग अलग से आएगा, तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और बहुत ही अमेजिंग ब्लॉग आने वाला है। तो ये बन गया है दही बड़ा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और मेहमान लोग ना, जो गेस्ट आएंगे आपके यहाँ, तो वो तो भैया आपके दीवाने होने वाले हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा लजीज बनेगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसके ऊपर जब हम लोग मसाले ऐड करेंगे, जैसे मिर्च है और इसमें चाट मसाला है और भी दो तीन चीज़ें हैं, इसको ऐड करेंगे तो बहुत ही मस्त, बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पे सारा अरेंज करते हैं क्योंकि अजान होने वाली है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देती हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छा देखने में लगेगा ये। तो मैंने इसमें ना रेड वाली जो चटनी है ना वो मैंने ऐड करी थी, और इसमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया है अभी, क्योंकि जब जो भी खाएगा तो अपने अकॉर्डिंग उसमें जो मसाला चाट मसाला जो भी है वो ऐड करेगा। और यहाँ पर ये रेडी हो गया है, तो अब अजान हो गई है, तो फटाफट से यहाँ पे पूजा खोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे दही बड़ा इतना अच्छा बना था ना, ये लोग दो अभी भी बैठे खा रहे हैं। और यहाँ पे ना मेरे ही सिस्टर का ना एक प्रोजेक्ट बनना था, तो ये स्कूल का प्रोजेक्ट था, तो इसमें ना कलर करना था, तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है, तो उसको थोड़ा सा हौसला मिलेगा। यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आई को थोड़ा सा अच्छा सा थोड़ा रियलिस्टिक बनाऊंगी, थोड़ा सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट लुक दूंगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। सो गाइस, मैं अपने ना फेवरेट पेपर सो गाइस, मैं अपना ना फेवरेट पापड़ यहीं पर भूल गई थी, तो अब मैं खा रही हूँ। मम्मी ने याद दिलाया, मम्मी ने बुलाया ये ना। ये कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लगा, इसमें मैंने भी काफ़ी हेल्प करी। हटो पीछे हटो। तो ये फ्रेम का फ्रेम में लगने के लिए ये बन रहा है, तो ये फ्रेम लगने लायक है या नहीं है कमेंट में बताना।